देखिए बच्चों, कल अपन ने औसत का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, अब औसत का अपन नेक्स्ट सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, जिसका क्वेश्चन अपने वाई ग्रुप में रहता है। देखिए, औसत अपने पढ़ा था और जो अभ्यर्थी इसको देखेंगे उसके लिए सेकंड कंडीशन हो जाएगी। औसत सामान्य, इसका एक फॉर्मूला आपको बताया गया था, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है औसत का, ये कल बता दिया गया था, लेकिन अब उसके ये फॉर्मूला आपको एनी टाइम अपने दिमाग में रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अपन कल जहां रोका गया उसके आगे देखिएगा, जैसे किनी चार संख्याओं का औसत 25 है, इनमें तीन संख्याएं कर्मश 26, 14 एंड 20 है, तो चौथी संख्या क्या है? देखिए, औसत का बेसिक क्वेश्चन है किन्हीं चार संख्याओं का औसत 25 है, इनमें तीन संख्याएं जो 26, 14 और 20 हैं, तो चौथी संख्या क्या है? तो देखिए, संख्याएं कितनी है, चार, औसत कितना है 25, तो इन संख्याओं का योगफल कितना होगा? योगफल, तो योगफल हमारा हो जाएगा औसत गुणा संख्या, औसत है 25, संख्या है 4, अर्थात 100। ये जितनी भी संख्याएं हैं इनका योग 100 होना चाहिए, तो तीन संख्याएं हमारे पास लिखी गई है, 26 प्लस 14 प्लस 20 और चौथी संख्या हम x मान लेंगे, टोटल 100 हो जाना चाहिए। अब देखिए इनका योग कितना हो रहा है, 26 और 14 40, 40 और 20 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 60 अर्थात 40, तो चौथी संख्या फोर्थ नंबर यहां पर क्या होगा, 40 होगा, ये हमारा उत्तर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंदर अपने रहता है किसी कक्षा में 30 लड़कों का औसत भार 50 केजी है तथा 20 लड़कियों का औसत भार 30 केजी है, तो संपूर्ण कक्षा का औसत भार क्या होगा? देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 30 लड़कों का औसत भार 50 केजी है और 20 लड़कियों का औसत भार 30 केजी है, तो संपूर्ण कक्षा का औसत भार क्या होगा? तो देखिए, लड़के कितने हैं यहाँ पर, 30, औसत भार कितना है 50 केजी, तो लड़कों का कुल भार कितना होगा, लड़कों का कुल भार कितना हो जाएगा, 30 इंटू 50,
1500 केजी, और लड़कियों का कुल भार कितना हो जाएगा, लड़के कितने थे 30, और 20 लड़कियों का कुल भार कितना हो जाएगा, लड़कियों का कुल भार तो लड़कियां कितनी 20, औसत कितना इनका 30, कितना हो जाएगा 600 केजी। अब देखिए इसने कहा संपूर्ण कक्षा का औसत भार, तो संपूर्ण मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हुए, ये जुड़ जाएंगे, कितने हुए 50, और कुल भार इनका कितना होगा, ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2100 केजी। अर्थात हमें निकालना क्या है औसत, औसत बराबर मेन फॉर्मूला क्या है, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, योगफल कितना आया 2100, और राशियों की संख्या कितनी है 50। तो अब इसको काट दीजिएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 4 5 20, 4 1 5 2 10, 42 केजी। देखिएगा संपूर्ण कक्षा का औसत भार क्या होगा, तो टोटल स्टूडेंट कितने हुए 30 और 20 50, और इनका गुणा करोगे 30 गुणा 50 1500, और 20 गुणा 30 करोगे 600, 1500 और 600 को जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे 2100, 2100 को हम 50 का भाग देंगे कुल औसत निकालने के लिए, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 4 5 20, 1 बच जाएगा, 5 10, 42 केजी। बिल्कुल सीधा है, पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एक सिस्टम काम में लिया गया है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, एक कार्यालय में 9 कर्मचारियों, 9 कर्मचारियों एक कार्यालय में 9 कर्मचारियों का औसत भार 60 केजी है, एक कर्मचारी और आ जाने से औसत भार में 100 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो आने वाले कर्मचारी का भार क्या है। देखिएगा एक कार्यालय में 9 कर्मचारियों का औसत भार 60 किलो है, एक कर्मचारी और आ गया तो औसत भार में कितनी वृद्धि हुई, 100 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो आने वाले कर्मचारी का भार क्या है, या कई बार कहता है एक कर्मचारी चला जाता है तो औसत भार में इतनी कमी हो गई, तो जाने वाले का भार क्या है या आने वाले का भार क्या है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो देखिएगा आने वाले का भार, आने वाले का भार बराबर पुराना औसत, पुराना जो भी औसत दे रखा है, पुराना औसत प्लस कुल संख्या गुणा औसत वृद्धि, कुल संख्या गुणा औसत वृद्धि अपॉन कुल, मतलब कुल संख्या इंटू औसत वृद्धि। ध्यान रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जिसको हर बार काम में लिया जाता है। तो देखिए कि कुल पुराना औसत, जैसे इसने कहा आने वाले का भार क्या है, तो पुराना औसत इन प्लस प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, कुल संख्या इंटू औसत वृद्धि। तो पुराना औसत कितना है 60 केजी, प्लस कुल संख्या, पहले संख्या 9 थी, एक और आ गया 10, इंटू औसत वृद्धि कितनी हुई यहां पर, देखिए 100 ग्राम, तो 100 ग्राम को अपन केजी में लिखेंगे,
तो 100/1000, तो ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी और ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो कितना होगा 60+1=61 केजी। आने वाले का भार कितना हुआ 61 केजी। अपन उस फॉर्मेट से भी सेट कर सकते हैं, कैसे कि 9 का औसत भार 60 है तो 9 का कुल भार कितना होगा 9 × 60, 9 × 54 540 केजी। अब एक कर्मचारी और आ गया तो कर्मचारी कितने हो गए 10, और गुणा औसत वर्दी कितनी 100 ग्राम की हुई, तो 100 ग्राम की किलो में लिखेंगे तो 0.1 हो जाएगा, तो नया औसत कितना होगा 60.1। तो ये कितना हो गया टोटल, गुणा करेंगे अपन 601 केजी। अब देखिएगा 9 का 540 था, 10वां आने के बाद ये 601 हो गया, तो वर्दी कितनी हुई यहां पर, इस 601 में 40 घटा दोगे 61 केजी। ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो या ये सिस्टम से कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिएगा नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार आपके पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसको, 50 परिमाणों का औसत 32 है लेकिन गलती से एक परिमाण 48 के स्थान पर 23 लिख दिया जाता है तो सही औसत क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सिक्स क्वेश्चन की श्रेणी में आता है कि 50 परिमाणों का औसत 32 निकाला गया लेकिन उनको बाद में पता चला कि उनसे गलती हो गई, क्या थी, एक परिणाम 48 लिखना था, 48 की जगह पर इन्होंने 23 लिख दिया, तो सही परिणाम क्या होगा, 48 की जगह पे कितने लिखे 23। तो देखिए जब ऐसा आता है तो सही परिणाम इज इक्वल टू या सही औसत इज इक्वल टू पुराना औसत प्लस पुराना औसत प्लस कुल संख्या सॉरी पुराना औसत इंटू सही सही संख्या माइनस गलत संख्या बटा कुल संख्या। ये एक विशेष फॉर्मूला है, याद रखिएगा कि यदि गलती कहीं हो जाती है औसत निकालने के लिए तो सही औसत निकालने के लिए पुराना औसत प्लस सही संख्या माइनस गलत संख्या बटा कुल संख्या। तो पुराना औसत कितना यहां पर 32 प्लस सही संख्या माइनस गलत संख्या, देखो 48 के स्थान पर 23 लिख दिया गया, मतलब सही हमारा 48 था लेकिन गलती से वहां 23 लिख दिया, तो सही संख्या हमारी 48 है माइनस गलत संख्या 23 अपॉन कुल संख्या, टोटल परिणाम कितने थे 50 50, तो ये आ जाएगा अर्थात 32 प्लस इसको माइनस कर देंगे 5 2 50, ये कट जाएगा 1/2 अर्थात 32 प्लस इसको भाग देंगे कितना आएगा 0.5 अर्थात सही आंसर हो जाएगा 32.5। संशोधित परिणाम या संशोधित औसत कितना रहेगा 32.5, ये विशेष फॉर्मूला है जिसको याद रखिएगा, पुराना औसत प्लस सही संख्या माइनस गलत संख्या अपॉन कुल संख्या। अब देखिए ये तो थे अपने इस टाइप के औसत के क्वेश्चन, इसमें अब नेक्स्ट आ रहे हैं जो नंबर बेसिस क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनका ये क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो ये सिक्स क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्वेश्चन ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है।
तो प्रथम पांच औसत का बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है जो बार बार फॉर्मूला काम लिया जा रहा है, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योगफल मतलब पांच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी, दो तीन पांच सात ग्यारह, ये होगी। जबकि यहां पर के स्टूडेंट एक तीन को लिख देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। प्रथम पांच अभाज्य संख्या इनका योगफल करेंगे, दो प्लस तीन प्लस पांच प्लस सात प्लस ग्यारह बट्टा कुल संख्याएं, कुल संख्या कितनी होगी पांच। अब इनको अपन जोड़ देंगे तो देखिएगा कितना होगा, दो तीन पांच, पांच पांच दस, दस और सात सत्रह, सत्रह और ग्यारह कितने हो जाएंगे अट्ठाईस बट्टा पांच। इसमें हम भाग देंगे पच्चम पच्चीस और तीन रहेंगे तीस, छह पंचों तीस, ये हो जाएगा 5.6। प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, फिक्स क्वेश्चन है, देखिएगा दो तीन पांच सात ग्यारह ये प्रथम पांच अभाज्य संख्या है, इनका औसत निकाला 5.6। अब आ रहे हैं कुछ फॉर्मूले बेसिस पे क्वेश्चन, तो देखिएगा वो फॉर्मूले बेसिस के क्वेश्चन ये रहते हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला याद रखना। प्रथम एन लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम एन लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत, तो फॉर्मूला रहेगा एन प्लस वन अपॉन टू। इसी प्रकार प्रथम एन लगातार पूर्ण संख्याओं का औसत, तो n माइनस वन अपॉन टू, ये फिक्स फॉर्मूले हैं दोनों, तो याद रखना। जैसे क्वेश्चन कैसे बनता है कि प्रथम 100 प्राकृत मतलब नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है, तो यहां देखिएगा n बराबर 100 तो औसत बराबर क्या होगा, फॉर्मूला यूज कीजिएगा 100 प्लस 1 बटा 2 अर्थात 101 बटा 2 भाग देंगे 50.5। यदि वो पूर्ण संख्या होल नंबर का कहता तो माइनस 1 कर देते। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों फॉर्मूले, प्राकृत संख्याओं का औसत और पूर्ण संख्याओं का औसत। देखिए नेक्स्ट और इसी के संबंधी फॉर्मूला कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है, वो क्वेश्चन ये रहता है, इस प्रकार से आ जाता है क्वेश्चन आपके, 90 से 110 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिएगा 90 से 110, 500 से 1000, 300 से 800 जो भी हो, जिन संख्याओं का औसत क्या होगा, वो कंटिन्यू संख्या होती है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, जब लगातार संख्याएं होती है तो औसत बराबर होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा दो। कोई जरूरी नहीं है कोई भी, जैसे 500 से 1000 आ जाता है, 300 से 800 आ जाता है, कैसे भी, तो प्रथम संख्या यहाँ 90 प्लस अंतिम संख्या कितनी 110 बटा 2 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 200 बटा 2 अर्थात 100। और सामान्य हमें पता है औसत का मान होता है मध्य मान, अर्थात 90 से 110 तक की गिनती लिखेंगे तो बीच में कौन आएगा 100। तो ध्यान रखिएगा लगातार संख्याएं होती है तो उनका औसत निकालने के लिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा दो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी फॉर्मूला है विशेष, प्रथम एन लगातार विषम संख्याओं का औसत। देखिएगा ऑड नंबर विषम संख्याओं का औसत n ही होगा। इसी प्रकार प्रथम n लगातार
सम संख्याओं का औसत तो वो होगा n प्लस वन। ये दो फॉर्मूले हैं, प्रथम लगातार विषम संख्याओं का औसत निकालना तो n ही रहेगा, और प्रथम n लगातार सम संख्याओं निकालना है तो n प्लस वन रहेगा। कैसे देखिएगा, जैसे प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो अपने फॉर्मूला क्या है, n बराबर होगा यहां 10, तो औसत बराबर 10 ही रहेगा। 10 विषम संख्या, प्रथम 10 विषम संख्या होती कौन कौन सी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये प्रथम 10 विषम संख्याएं, इनको जोड़ोगे और 10 का भाग दो, इनका योग 100 आएगा, 100 में 10 का भाग देंगे 10। यदि वो सम का कहता, प्रथम n लगातार सम संख्या होगा तो n प्लस 1 हो जाता। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जैसे इसका एक क्वेश्चन ये रहता है, एक क्वेश्चन है एक्स वाई दोनों के अंदर आया हुआ है, बार बार पूछा जाता है, 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, एक्स वाई दोनों के अंदर आया हुआ फिक्स क्वेश्चन है, या फिर 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिएगा 1 से 50 तक, तो अपन 1 से 50 तक गिनती लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से कंटिन्यू रहेगी, 48, 49 एंड 50। तो हर अल्टरनेट सम और विषम संख्या आ रही है, सम एंड विषम संख्या आ रही है, तो हम 1 से 50 तक गिनती लिखेंगे, तो इसमें सम संख्याएं कितनी होगी और विषम संख्याएं कितनी होगी, तो सम संख्या भी हमारी 25 रहेगी और विषम संख्या भी 25 रहेगी। 1 से 50 तक अपन काउंटिंग लिखेंगे तो सम संख्या भी विषम आएगी और सम संख्या भी 25 आएगी और विषम संख्या भी 25 आएगी। तो अपन ये कह सकते हैं इसकी जगह प्रथम 25 सम संख्याएं भी कह सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रथम 25 सम संख्या का औसत, तो सम संख्या को n बराबर यहां होगा 25, तो औसत कितना हो जाएगा, सम संख्या है तो क्या हो जाएगा, 25 + 1 = 26। ध्यान रखिए विशेष फॉर्मूला है इसको, और कई बार यदि ऐसे नहीं होता है तो जब कंटिन्यू संख्याएं होती है, कंटिन्यू नंबर होते हैं, तो उनका आप निकालने के लिए सम का निकालना है, सम संख्या का औसत तो कंटिन्यू लगातार होनी जरूरी है, तो प्रथम सम संख्या प्लस अंतिम सम संख्या बटा दो। विषम का निकालना है तो प्रथम विषम संख्या प्लस अंतिम विषम संख्या बटा दो, तो प्रथम सम संख्या यहां क्या होगी, 1 से 50 तक तो 2, प्लस अंतिम 1 से 50 तक गिनती लिखेंगे तो प्रथम सम संख्या 2 आएगी, और अंतिम सम संख्या कौन सी होगी, 50 × 50 / 2, तो 52/2 अर्थात 26। ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो, विषम का कहता है तो प्रथम विषम संख्या प्लस अंतिम विषम संख्या बटा 2, इस प्रकार से इस फॉर्मूले को यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा फॉर्मूला, वो ये रहता है, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत, तो देखिएगा n प्लस 1 इंटू 2n + 1/6, ये फिक्स फॉर्मूला है जो रटा हुआ आपको याद रखना है, प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत निकालने के लिए n प्लस 1 इंटू 2n + 1/6, जैसे प्रथम पांच प्राकृत
संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा? प्रथम पांच प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा? तो देखिए यह n बराबर कितना होगा, पांच, तो औसत निकालना हमें। औसत बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे n प्लस वन पांच प्लस एक इंटू टू इंटू एन, एन का मतलब है पांच प्लस एक बटा छह, ये फिक्स फॉर्मूला है, अर्थात ये इसको करेंगे छह पांच और एक छह इंटू पांच दूनी दस और इसमें एक जुड़ जाएगा ग्यारह बटा छह, तो ये कट जाएगा ग्यारह। फॉर्मूला याद रखिएगा n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। देखिए कैसे कि प्रथम पांच एक दो तीन चार पांच, वर्ग मतलब ये एक, इसका वर्ग ये चार, इसका वर्ग ये आपको हो जाएगा नौ, इसका वर्ग ये हो जाएगा सोलह, इसका वर्ग ये हो जाएगा पच्चीस, ये हो गई। अब इनको आप जोड़ोगे तो जोड़ने पे जितनी आएगी इनका योग कितना हो जाएगा, आपके हो जाएगा दस और चार चौदह, चौदह और सोलह चालीस और पच्चीस पचपन बटा पांच ग्यारह। इस प्रकार से कर सकते हैं, ये विशेष फॉर्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट एक फॉर्मूला और रहता है जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, उसको देखिएगा कैसे। प्रथम एन लगातार प्राकृत संख्या के घनों का औसत, घन मतलब क्यूब, इसका भी एक फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन फोर, ये फिक्स फॉर्मूला है, रटा हुआ याद रखना है, क्वेश्चन आता है। जैसे प्रथम चार प्राकृत संख्या के घनों का औसत क्या होगा? प्रथम चार प्राकृत संख्या के घनों का औसत क्या होगा? तो यहां n बराबर क्या होगा, चार, तो औसत का फॉर्मूला लगाएंगे, औसत बराबर क्या होगा n, n का मतलब चार, चार प्लस एक का होल स्क्वायर बटा चार, चार से चार कैंसिल आउट, पांच का स्क्वायर पच्चीस, ये हो जाएगा। प्रथम चार प्राकृत संख्या के घनों का औसत, तो फॉर्मूला याद रखिएगा n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन फोर। देखिए संख्याएं कैसी, एक दो तीन चार, ये प्रथम चार प्राकृत संख्या है, घन का मतलब क्यूब, इनका क्यूब, एक का क्यूब एक, दो का क्यूब आठ, तीन का क्यूब सत्ताईस, चार का क्यूब चौसठ, इनका योग करेंगे सौ बटा चार का भाग देंगे पच्चीस। इस प्रकार से अपन सेट कर सकते हैं, विशेष फिक्स फॉर्मूले है, फॉर्मूले बेसिस का एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। देखिए एक नेक्स्ट फॉर्मूला और, वो आपके ये रहता है किसी संख्या के प्रथम n गुणजों का औसत, किसी संख्या के प्रथम n गुणजों का औसत, देखिएगा संख्या इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ये एक विशेष फॉर्मूला है, याद रखिएगा कैसे। जैसे देखिएगा पंद्रह के प्रथम पांच गुणजों का औसत क्या होगा? पंद्रह के प्रथम पांच गुणजों का औसत क्या होगा? तो यह संख्या क्या है हमारी, पंद्रह, n कितना है, पांच, तो औसत का फॉर्मूला लगाएंगे, औसत बराबर संख्या पंद्रह इंटू एन प्लस वन पांच प्लस एक बटा दो, क्या हो जाएगा पंद्रह इंटू छह बटा दो, ये कट जाएगा तीन पैतालीस। पंद्रह के
प्रथम पांच गुणजों का औसत क्या होगा? 45, 45। कैसे? देखिए 15 का पहला गुणज 15, 15 का दूसरा गुणज 30, 15 का तीसरा गुणज 45, 15 का चौथा गुणज 60, 15 का पांचवा गुणज 75। ये कंटिन्यू संख्या है, 15, 30, 45, 60 और 75। जब लगातार संख्याएं होती हैं तो औसत का मतलब, सबसे पहले हमने पढ़ा था औसत का मतलब होता है मध्यमान, जो बीच में होगा वो औसत कहलाएगा। तो देखिए इनके पद लगातार सीरीज में बीच में कौन आ रहा है, 45, तो ये 45 ले सकते हैं। कहीं पर भी यदि समान गैप से कोई संख्याएं आगे बढ़ रही हैं और उनका औसत निकालना है तो आप उनका मध्यमान ले सकते हो या फिर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या लेके दो का भाग दे सकते हो। इसी के साथ ये औसत आपका खत्म हो रहा है, इससे बाहर आपके वाई ग्रुप के कोई पर्सन नहीं जाएंगे, सभी इसी के अंदर रहेंगे। बाकी औसत बहुत बड़ा होता है लेकिन अपने वाई ग्रुप को ध्यान में रखते हुए इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद।